तो दोस्तों, सीधे हम बात करने वाले टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। टाटा मोटर्स के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.2-0.3% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें तेज़ी, और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो एक फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी बनता हुआ देखने को मिला है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर टाटा मोटर्स की, तो हम सबको पता है कि टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 1100 1150 के लेवल से गिरते गिरते अभी फ़िलहाल के लिए हमें 900 रुपीज़ के भी नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो इसका जो मेजर सपोर्ट था 920 से लेकर 900 रुपीज़ का, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड भी कर रहा है, तो व्यू डेफिनेटली यहाँ पर बनता है नेगेटिव। देन टू अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर ले, तो आपके सामने अगेन यहाँ पर EMAs भी यही चीज़ बता रहे हैं कि टाटा मोटर्स का जो ट्रेंड पॉजिटिव था वो 900 रुपये के नीचे ऑलरेडी, जो 920 के नीचे ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ पर काउंटर का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट टेक्निकली अगर मैं मेजर कहूँ तो वो डायरेक्टली अब 800 पे है, बट स्टॉक को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अच्छे खासे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स पोस्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके कोई रिकवरी हमें देखने को मिलेगी।